अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। न्यू ऑर्डर के साथ आज फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया। आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं, स्पेशली बकरा ईद के लिए होती है अमूमन। तो आज हम बना रहे हैं मगज फ्राई, वो भी हमारे स्टाइल में, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, मज़ेदार स्टाइल से बनाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बड़े का मगज ले लिया है और साथ ही हम अब इसको साफ़ करेंगे। सबसे पहले दूसरी तरफ हम लोगों ने 1.5 गिलास पानी जो है वो एक कढ़ाई में डाल के रख दिया है गर्म होने के लिए। साथ ही हम जो मगज़ है उसको डाल देंगे। ये बड़ा आसानी तरीका है मगज़ को साफ़ करने का, और इसमें तकरीबन 1 से 2 बबल्स आएंगे तो हम मगज़ को निकाल लेंगे। जितने में मगज़ का पानी उबलता उतने में हम दूसरी तरफ इसके तैयार कर लेते हैं ग्रेवी। एक कढ़ाई में हम लोगों ने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हम लोगों ने लिया तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के, जिसको काट लिया। प्याज को फ्राई कर देते हैं, लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड दूसरी तरफ देखिए मगज़ जो है उसमें बबल जाना शुरू हो गया है, लेकिन हम इसको हम थोड़ी देर और उबालेंगे। और साथ ही दूसरी तरफ जो है प्याज की लाइट गोल्डन फ्राई हो रही है, मगज़ में बबल जाना शुरू हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसको एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। साथ ही साथ जो हमने प्याज रखी हुई थी वो भी लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है। अलग से डिश में हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसमें इसकी ब्लड रेंज निकाल लेंगे। मगज़ अभी ठंडा हो रहा है तो इतने में हमारी प्याज भी गोल्डन फ्राई हो गई। इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर जो हम लोगों ने लिए थे 3 दरमियाने साइज़ के, जिनको हम लोगों ने कट कर लिया था। साथ ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। वन बाई वन करके हम मसाले भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया गर्म मसाला पाउडर पिसा हुआ 1/2 टी स्पून, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून ऐड किया है, नमक ऐड करेंगे हल्दी गर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। मसाले हम लोगों ने ऐड कर दिए, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मसाले को भून लेते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं, साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद साथ ही हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था और अब मसाले को भून लेते हैं। हल्का फुल्का सा मगज ठंडा हो गया, अब इसमें से निकाल लेते हैं, इसको ईजीली साफ़ कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है मगज़ को साफ़ करने का, छोटे का या बड़े का सेम प्रोसीजर है। इस तरह से देखें हम ब्लड वेंस निकाल लेंगे। बड़ी आसानी से ये साफ़ हो जाएगा और जो इसके ऊपर एक झिल्ली है वो भी उतर जाएगी। तो देखिए फ्रेंड बहुत आसानी से इसके ऊपर जो एक लेयर थी थिन सी बिल्कुल जो झिल्ली थी वो भी बहुत आसानी उतर गई है, और जो ब्लड वेंस थी वो भी हम लोगों ने इजीली रिमूव कर दी है। ऑलमोस्ट जो हमारा मगज़ है वो सॉफ्ट हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारा मसाला भी भून के रेडी हो गया है। मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बस थोड़ा सा उसको और भून लेते हैं, फिर हम इसमें मगज़ ऐड कर देंगे। मसालेदार मगज़ बना रहे हम लोग। मसाला भून गया और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। साथ ही हम इसमें मगज़ ऐड कर देते हैं और मगज़ को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह मज़ेदार वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। काइंडली वीडियोस को पूरा देखा करें और देखने के बाद पसंद आए तो उसको लाइक करके ज़रूर जाया करें। अच्छी तरह मिक्स कर लिया हम लोगों ने इसको मसाले के साथ। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे, फ्लेम जो है वो लो है। तो अब हम इसको दम पे लगा देते हैं 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड 10 मिनट हो गई है, ये बिल्कुल भुनाई की स्टेज पे आ गया। हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। मज़ेदार सा हमारा मसाला मगज तैयार हो गया है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अगर आप लोगों ने भी कुर्बानी की है और आप लोग के जानवर का मगज़ आप लोगों के पास पड़ा है तो इस स्टाइल से बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, मज़ेदार होगा, टेस्टी फूड होगा। अब हम इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यार लग रहा है और हमने इसको भून भी लिया है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे धनिया हरी मिर्च के साथ जो हम लोगों ने बारीक बारीक काटा था। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जितना ये खूबसूरत लग रहा है दिखने में उतना ही ये मज़ेदार बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये इसकी फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आई है। पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, रेसिपी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा।